नमस्कार, आप देख रहे दी फ्रंट न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ सागरिका। बिहार में दो सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए हैं, मोकामा और गोसाईगंज। ये चुनाव बिहार की दिशा और दशा को तय करेगी। क्यों खास है ये चुनाव और सभी पार्टियों की धड़कनें क्यों बढ़ चुकी है, चलिए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में होने वाला उपचुनाव बिहार की सियासत की दशा और दिशा को तय करेगा। आगे किस पार्टी का जोर रहेगा और किसकी सियासी जमीन खिसकेगी। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे अब ईवीएम में कैद हैं। रविवार को पता चलेगा कि किसकी सह हुई और किसको मिली मात, या फिर मैच एक एक सीट के रूप में ड्रा होगा। यह उपचुनाव वैसे तो बीजेपी और राजद के बीच है, लेकिन इसका परिणाम सभी पार्टियों को अपने अपने प्रभाव में लेने वाला होगा। यह उपचुनाव परिणाम वीआईपी के मुकेश साहनी के भविष्य को भी लगभग तय करेगा। परिणाम बताएगा कि जदयू और राजद की दोस्ती मजबूत रहेगी या गांठ पड़ेगी, राजद का महागठबंधन में दबदबा कायम रहेगा या नीतीश का बढ़ेगा। चुनाव परिणाम कई सवालों के जवाब आपके सामने लाने वाला होगा। पिछले चार चुनावों से मोकामा सीट राजद के अनंत सिंह एवं गोपालगंज की सीट भाजपा के सुभाष सिंह के पास रही है। इस चुनाव में दोनों पूर्व विधायकों की पत्नियां मैदान में हैं। इस चुनाव में दोनों जगह वोट प्रतिशत घटा भी है। मोकामा में आधा प्रतिशत तो गोपालगंज में 4% तक कम वोट पड़े हैं। इसने भी धड़कने बढ़ा दी हैं। चुनाव परिणाम बिहार में अलग थलग पड़े बीजेपी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अपनी सियासी पकड़ मजबूत करने के हिसाब से दोनों उपचुनाव में जीतना बीजेपी के लिए जरूरी हो रहा है। मोकामा में अगर बीजेपी जीत दर्ज करती है तो राजद का किला ढहेगा, जिसका फायदा आगामी चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। अगर बीजेपी मोकामा के साथ साथ गोपालगंज में भी हार जाती है तो फिर आगे की राह मुश्किलों भरा होगा। कुल मिलाकर यह चुनाव परिणाम बिहार की आगामी राजनीति का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। द फ्रंट न्यूज के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। द फ्रंट न्यूज, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।